नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई ग्रांड सपोर्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में ये अमेजन से परचेज किया हुआ एक ट्राईपॉड है, यानी कि जिसका उपयोग आप DSLR या मोबाइल को स्टैंड करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इसको मैंने आज मतलब दो तीन दिन हो गए इसको ऑर्डर किया था, जो कि आज मुझे मिल गया है और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार कार्य करता है, कितना बेनिफिशियल है। और ये देखिए 379 रुपीज़ का है और इसमें लिखा हुआ टू राघवेंद्र सिंह, यानी कि ये मेरा नाम है और ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है और ये इस तरह करके, और ये इसमें और कोई ख़ास डिटेल नहीं, चलिए इसको खोलते हैं फिर इसके अंदर देखते हैं किस प्रकार का हमें ट्राईपॉड निकलता है। इसको जैसे ही हमने खोला तो एक तो इसके ऊपर ये आपको ये पर्चा निकला, इसमें आपको सब डिटेल देगा। पहले तो इसमें मैं डिटेल दे रहा है, यहाँ पर ये पूरा बिलिंग एड्रेस और कितना पे किया गया और इसमें कुछ खास नहीं, चलिए इसको रख देते हैं। अब निकालते हैं जो इसमें ट्राईपॉड है, ये देखिए ट्राईपॉड 3110 थ्री वे हेड बिल्ट इन लेवल 4 सेकेंड एल्युमिनियम लेग्स, 4 सेक एल्युमिनियम लेग्स और क्विक लेवल लॉक, इसमें क्विक लेवल लॉक भी है। इस तरह आप ये देख रहे हैं, इसका जो वेट है 420 ग्राम का वेट है, यानी कि काफ़ी लाइट वेट है। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये देखिए इसकी यहाँ पे ये मेड इन चाइना है, लेकिन देखते हैं ये कैसा रहेगा। इसके रबर के रबर लेग टिप लगी हुई है और ये क्विक लेवल लॉक है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि फोर सेक्शन लेग हैं और थ्री वे पैन रीड। ये देखिए जिसको जब हम इसको खोलते हैं तो ये इस तरह का निकलता है, यानी कि ये लगा हुआ है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसको हम दूर रख देते हैं। चलिए अब इस बैग से, अभी देखिए बैग में पैक है ट्राईपॉड। ये देखिए ये दोस्तों, ये इसको माउंटिंग बोलते हैं, माउंटिंग निकली जो कि मोबाइल को इस तरह मोबाइल इसमें फिट किया जाता है। यहाँ पे ऐसे मोबाइल लगा के आप इसको इस तरह फिट कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो इस तरह मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है कि मैं आपको इसमें लगा के दिखा दूँ, एक ही मोबाइल है उससे वीडियो बन रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह। ये देखिए ये निकला, तो देखिए आपको ये शुरू में तो इतनी इसकी हाइट है, लेकिन इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका हेड है और यहाँ पे माउंटिंग फिट की जाती है। देखिए मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से माउंटिंग फिट होगी। आप ये नीचे से होल्ड कर सकते हैं, इस तरह करके भी आप इसको यहाँ से पिक कर लीजिए और इस तरह आप माउंटिंग लगा दीजिए। आप फ़ोन को लगाने के बाद भी माउंटिंग को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसको आप लूज़ या टाइट कर सकते हैं इस पोर्शन को, और ये आपका है वीडियो शूट करने के लिए कि आप वीडियो कैमरा को यानी किस एंगल पर रखना चाहते हैं, इससे आप एंगल कैमरा का बदल सकते हैं। अब देखिए कि ये काफ़ी लाइट वेट है और मुझे मजबूत भी नज़र आ रहा है। आप इसके जितना साइज इसका बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। साइज आप बढ़ाने के लिए ये देखिए इसमें ये लगी हुई है लॉक, आप लॉक खोलिए। जैसे कि मैंने देखिए एक लॉक खोल लिया, जैसे कोई भी लॉक आप खोलिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसे इसको खोला, ये एक लॉक निकला, यानी एक इसका लेग निकला इस तरह। अब इसको देखो, खोलने के बाद इसको लॉक कर देते हैं फिर, ये देखिए, और फिर मैंने इसको खोला, ये देखिए इस तरह ये हो गया। अब इसमें माउंटिंग लगी हुई है,
आप यहाँ पर आपके फ़ोन फिट हो जाएगा। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन होगा इसकी उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और वो इसमें आराम से आसानी से फिट हो जाएगा। इस तरह करके आप इसका बैक पोर्शन इस तरह लगाइए और इसको थोड़ा सा पुल कीजिए, खींचिए, और खींचने के बाद छोड़ आराम से लगा दीजिए, आपका फ़ोन गिरेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में आप जिस एंगल पर वीडियो शूट करना चाहते हैं या आप मतलब प्रोफेशनल या एंजॉय के रूप में तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसकी हाइट और बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी हाइट 3.5 या 4 फीट तक होती है, ऐसा मुझे मालूम है जो कि मैंने खरीदते समय पढ़ा हुआ था। तो इसकी पूरी हाइट अगर खोल दी जाए तो काफ़ी हो जाती है। देखिए मैं इसकी पूरी हाइट आपको खोल के दिखाता हूँ। चलिए चलिए मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए, ये इतना भी हो सकता है, इतना इतना भी हो सकता है। अगर इसकी हाइट हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो इसकी हाइट देखिए, ये देखिए दोस्तों। इस प्रकार ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीप एंड बेस्ट ट्राइपॉड है जो कि सस्ता भी है और अच्छा भी है। इसकी लेग्स भी काफ़ी ठीक है, मैंने काफ़ी देखने के बाद और चेक करने के बाद इसे ख़रीदा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसा ना हो कि आप भावनाओं में बह जाएं और वीडियो को लाइक करना भूल जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरह के टेक और थोड़ा फनी वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। देखिए इस तरह ये पूरा खुल के आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से भी इसकी लाइफ, इसकी कुछ लेंथ इंक्रीज होती है। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इससे इसको आप टाइट कर दीजिए, ये देखिए, इसको टाइट करके आप इसको ही रखते हैं। ये देखिए, आप अगर इसको आप कम कम हाइट चाहिए तो आप इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐसे इसको टाइट कर सकते हैं जहाँ पर आपको जितनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी फिक्स करना चाहते हैं तो इसे सही से कस दीजिए और वीडियो शूट होने दीजिए। और इसी तरह इसमें भी है, आप इसको किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं। यहाँ से मैंने लॉक कर दिया है इसलिए थोड़ा घूम नहीं रहा है, इसको थोड़ा लूज कर लीजिए। ये देखिए, या आप ये देखिए सीधा हो गया, सीधा आप जिस भी एंगल में आप शूट करना चाहें। दोस्तों ये बहुत ही देखिए चीप एंड बेस्ट है, मजबूत भी है, हल्का भी है, यानी 450 ग्राम इसका वेट है जो कि बहुत ही लाइट वेट है। और इसकी ये जो बनी हुई है, हमें लगता है कि ये तो प्लास्टिक का लगा हुआ है लेकिन ये थोड़ा स्टील टाइप का दिख रहा है, स्टील का ये बना हुआ है, इसके जो लेग्स हैं स्टील के बने हुए हैं। तो ये काफ़ी, अगर आप इसका यूज डीएसएलआर के लिए भी कर सकते हैं और मोबाइल के लिए तो बेहद कंफर्टेबल है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसको खरीद सकते हो। और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने के लिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, फिर अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक।